गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। आज मैं आप लोगों को संस्कृत का पाठ 2 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको औकारांत पुल्लिंग शब्द के बारे में मैं कुछ बताऊँगा। अब जैसे यहाँ देखिए दिया गया है, नर, छात्र, सैनिक, हंस, शुक, मयूर, अश्व, हरिण, सिंह। अब ये जितने हैं ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं और एक वचन है। आपको ये याद रखना है कि संस्कृत का जो पुल्लिंग और उसका एक वचन रूप जो होगा उसमें विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जितने एक वचन में होंगे उसके साथ आपको विसर्ग लास्ट अंत में देना है। अब जैसे आपको देखिए दिया गया नर यानी आदमी, एक आदमी, छात्र, छात्र, जितने सब एक वचन है, सैनिक, सैनिक, हंस, हंस, शुक, तोता, मयूर, मोर, अश्व, घोड़ा, हरिण, हरिण, और सिंह यानी शेर या सिंह। अब देखिए जैसे यहाँ बताया गया कि संस्कृत में लिंग, वचन इत्यादि के अनुसार शब्दों के रूप बदल जाते हैं। मतलब संस्कृत में जो है लिंग और वचन इसके अनुसार जो है शब्द का रूप जो है वो बदलता है। शब्द रूपों के मूल शब्द को प्रतिपादिका कहते हैं। अब जैसे प्रतिपदिका कहते हैं, प्रतिपदिका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के होते हैं। संस्कृत में मुख्यतः 3 तरह के जो है वो लिंग हैं, वो हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये तीनों। इस पाठ में आए सभी शब्द रूप औकारांत, मतलब अभी जो मैं आपको पढ़ाया हूँ वो औकारांत पुल्लिंग शब्द। इसमें जो है औकारांत पुल्लिंग प्रतिपदिकों में विसर्ग, अभी मैंने पहले ही बताया था कि एक वचन रूप में जो है वह विसर्ग का प्रयोग किया जाता है, बनाया गया है। विसर्ग लगने पर वे एक वचन के शब्द रूप बन जाते हैं। अब जैसे नर, ये प्रतिपदिक हुआ, विसर्ग हटा दिया गया है, और इसका जो अगर शब्द रूप बनाएंगे तो वो हो जाएगा विसर्ग दे करके नर, बालक, बालक। अब देखिए इसमें शब्द संग्रह है, ये आपको जो है संस्कृत का जो है हिंदी अर्थ दिया गया है वो आपको याद कर लेना है। जैसे मैं कुछ बोल के आपको बता रहा हूँ, देव या फिर ईश्वर का अर्थ होता है भगवान, सूर्य मतलब सूरज, चंद्र, चांद, तारक, तारा, आकाश, आसमान, मनुष्य, आदमी या फिर उसको नर, आदमी, शिक्षक या फिर अध्यापक का अर्थ होता है शिक्षक, वैसे अश्व, घोड़ा, व्याघ्र, बाघ, सिंह, सिंह। इस तरह से आपको ये जितने शब्द हैं संस्कृत का जो है हिंदी वो आपको पढ़ के याद करना है। अब इससे आगे देखिए, अब संस्कृत में अभी मैंने आपको बताया था कि लिंग जो है वो 3 तरह के होते हैं, एक है पुल्लिंग, फिर है स्त्रीलिंग और एक होता है नपुंसक लिंग। सामान्य रूप से जिनसे पुरुष का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, मतलब पुरुष जाति का बोध कराने वाले सब जो होते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं, और फिर स्त्री का बोध कराने वाले सब जो होते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जिनसे न पुरुष का बोध होता है और न स्त्री का, उन शब्दों को हम नपुंसक लिंग कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं तीनों लिंग के, वो आपको समझना है। जैसे देखिए पुल्लिंग में नर, उसी का स्त्रीलिंग में जैसे भार्या, नपुंसक लिंग में एग्जाम्पल दिया गया पुस्तकम। गौर कीजिए पुल्लिंग एक वचन में है, अ लगा हुआ है, बाल। स्त्रीलिंग शब्द अगर एक वचन है बाला, आ की मात्रा आया, वैसे ही नपुंसक लिंग में म लग गया, भवनम। वैसे ही पुल्लिंग में अश्व, स्त्रीलिंग में शाखा और नपुंसक लिंग पत्रम अर्थात पत्ता। अब यहाँ पे अभ्यास दिया गया है, आपको दिया गया है कि चित्रों के नाम संस्कृत में लिखें। अब इस चित्र को देख करके आपको नाम भरना है, वो मैंने पूरा कर दिया है, आपको अपने बुक में कंप्लीट करना है। अब जैसे सूर्य, बाण, मुष्क, गज, मंडूक, स्वान, आइए अब आगे देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे है किन्हीं 5 पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखें, तो मैंने लिख दिया है। इसके अलावा आपको अगर एक्स्ट्रा याद करना हो तो आप पढ़ करके याद कर सकते हैं, काक, सुक, मयूर, वक, कोकिल। काक का अर्थ होता है कौवा, सुक यानी तोता, मयूर यानी मोर, वक बगुला, कोकिल कोयल। अब देखिए दिए गए शब्दों के लिए सही संस्कृत शब्द चुने। अब जैसे कोयल, कोयल का क्या होता है तो कोकिल, मैंने इसमें टिक लगाया है। चूहा, चूहा को कहते हैं मूषक। कौवा, इसका काक। बैल, वृष। अब निम्नलिखित शब्दों के संस्कृत रूप हैं, जैसे बाघ, बाघ का होता है व्याघ्र, मैंने इसमें लिख दिया। वैसे बंदर, वानर, खड़ा, ससक, ऊंट, उष्ट्र। अब देखिए संस्कृत में नाम लिखें,
अब जैसे यहाँ पे दिया गया, मैं जल के बाहर नहीं रह सकती। अब कौन सा ऐसा जीव है जो जल के बाहर नहीं रह सकती है, बताना है। तो यहाँ पे बताया गया मीना, संस्कृत में मछली, हिंदी में कहा जाता है उसी को, संस्कृत में बताया गया मीना। मैं जल बरसाता हूँ, यानी वर्षा जो है क्या चीज़ से होता है वो बताना है। तो जैसे बादल से, तो मैंने लिख दिया मेघ। मैं मनुष्यों की बोली की नकल कर सकता हूँ, वो तोता होता है, तो उसका संस्कृत मैंने लिखा है सुख। मैं जंगल का राजा हूँ, तो जंगल का राजा शेर होता है, उसको मैंने संस्कृत में लिखा है सिंह। मैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी हूँ, भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वह होता है मोर, तो मैंने लिख दिया संस्कृत में मयूर। मैं रेगिस्तान में रहता हूँ, रेगिस्तान में रहने वाला जो जानवर है वो है ऊँट, उसका संस्कृत होता है उष्ट्र, वो मैंने यहाँ लिख दिया। तो आपको ये पूरे बुक में जो है कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।